प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा छठी की ड्राइंग की पुस्तक कला सेतु से ज्यामिति का यानी कि जो आपका पाठ नंबर 8 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 रेखाखंड ए बी को 3:4 में बांटे इस वीडियो में इसकी रचना करना सिखाऊंगी। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बच्चों। तो हम ये सवाल कॉपी पर बनाना सीखेंगे अब। तो मैंने इसकी रकम पहले से ही लिख ली है, आपको भी कॉपी में इसी तरीके से रकम को लिखना है। रेखाखंड ए बी को 3:4 में बांटे। तो बच्चों, हमने पिछले सवाल में रेखाखंड ए बी को 6 समान भागों में बांटना सीखा था। इसमें हमें 3:4 में बांटना है। 3/4 भी लिख सकते हैं हम 3:4 को। अनुपात को हम इस तरह से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर के 3 भाग और नीचे के 4 भाग। हम इस तरह से ऊपर के 3 को नीचे के 4 से मिला देंगे तो रेखाखंड ए बी का 3:4 हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको लेना है रेखाखंड ए बी। ये हमने रेखाखंड ए बी ले लिया है। रेखाखंड के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं ज्यामिति परिभाषाओं में कि दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। तो पिछले सवाल की तरह बच्चों, इसमें भी आपको ए और बी बिंदुओं पर न्यून कोण बनाने हैं। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो बी पर हम नीचे की तरफ बनाएंगे। न्यून कोण मैंने ये 60-60 डिग्री के कोण यहाँ पर बनाए हैं। और न्यून कोण आपको पता ही है कि समकोण से छोटे कोणों को यानी 90 डिग्री से कम के कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। वो कोण के प्रकार एवं कोण की परिभाषा में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद ही होगा। तो अब इनको इस तरह से मिला देंगे, ये न्यून कोण हमने बना दिए हैं। और ये ए के ऊपर की तरफ बनाया है तो बी के नीचे की तरफ आपको बनाना है। अगर आप यहाँ इस तरफ बनाएं बी के ऊपर की तरफ तो फिर ए के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बनाना है। अब ऊपर के 3 भाग हैं बच्चों, नीचे 4 हैं, तो ऊपर हम 3 भाग काटेंगे। अपनी मर्जी से प्रकार आपको खोलना है और इस तरह से आपको यहाँ पर बराबर 3 भाग काटने हैं। तो ये 1, 2 और 3 भाग। और अब यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर हमें 4 भाग काटने हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और बच्चों ये चौथा भाग, इनके भी हम नाम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। अब बच्चों ऊपर का 3 है, नीचे का 4 है, तो 3 को 4 से हम मिला देंगे। इनको हम बिंदुदार मिलाएंगे क्योंकि हमें 3:4 निकालने वाला रेखाखंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए बी रेखाखंड को 3:4 में बांटना है। इसलिए हम इस रेखाखंड को बिंदुदार बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसके ये ए बी रेखाखंड के बच्चों 3 भाग इधर हो गए हैं और 4 भाग इधर। तो इस तरह से ये 3:4 में हमने रेखाखंड ए बी को बांटना सीखा। बिंदुओं के भी आप नाम लिख दीजिए, जैसे इसका सी हो जाता है इसका डी। तो अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।